शुरुआत हुई है, किस तरह से काम करेगा ये? ये रोटी बैंक लोगों के ही सहयोग से काम करेगा। कोरोनेशन हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे चाय और बिस्किट, दोपहर में लंच एवं शाम के भोजन का प्रबंध भी किया जाएगा। साथ ही साथ हम अपने आस पड़ोस के लोग, जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहाँ पे हम कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे जो हमें रोटी दान में दिया करेंगे, और उस रोटियों को हम रात को भी जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं उनके लिए लेके जाया करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ स्कूलों में बात की है एवं बच्चों से भी बात करने जा रहे हैं हम कल से, कि वो जब भी अपना लंच बॉक्स लेकर आते हैं उसमें 1 या 2 रोटी एक्स्ट्रा लेकर आए, उन रोटियों को हम इकट्ठा करेंगे, साथ ही उन रोटियों को हम जरूरतमंदों तक पहुँचाएंगे। कौन सी संस्था है और किस तरह से ये आर्थिक रूप से जो है ये चलेगा सर? हमारी संस्था का नाम जगत बंधु सेवा ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से हम निर्धन कन्याओं की शादियाँ भी कराते हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से कई व्यक्ति एक्सीडेंट के दौरान घायल हो जाते हैं और परमानेंट मतलब बेड पर ही पड़े रहते हैं, उस दौरान उनका घर का खर्च चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन लोगों को भी हम खाद्य सामग्री मतलब उपहार स्वरूप दिया करेंगे। हर महीने हमने एक टारगेट लेके चले हैं कि उनको 2100 रुपये का खाद्य सामग्री का पैकेट बना के हम दिया करेंगे, जिससे वो अपना उससे गुजर बसर कर सके। तो ये और अस्पतालों में भी होगा या सिर्फ कोरोना सर? ये दून में भी होगा, जितने भी सरकारी अस्पताल है जहाँ पे भी मरीजों की भर्ती होने की सुविधा है वहाँ सब जगह हम इसको शुरू करेंगे। रात को ये फुटपाथ पे और रेलवे स्टेशनों पे काम करेगा। सर, रोटी बैंक की आज से शुरुआत हुई है, किस तरह से ये काम करेगा? और देखिए, जो रोटी बैंक की शुरुआत की गई है वो जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के माध्यम से की गई है, और इसका मेन उद्देश्य एक है, जो बाहर से आने वाले मरीज होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है रहने और खाने की। अब रहने की व्यवस्था तो इतनी आसानी से हो नहीं पाएगी, लेकिन खाने की व्यवस्था जिस प्रकार से इस ट्रस्ट की ओर से की गई है कि तीनों टाइम पर मरीजों को और उनके तीमारदारों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है, तो हम ये देखने इस तरह से देखने में भी आ रहा है कि अगर हम इसको आगे और अच्छी तरह से हमें जनता का सहयोग प्राप्त होता है तो अन्य सरकारी अस्पतालों में भी इसकी सेवा शुरू की जाएगी। और बाकी जिस प्रकार से इनका अपना एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, इनके निधन कन्याओं की विवाह का और अन्य जो मरीज हमारे बेड पर पहुँच गए हैं उनकी, उसका तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा इसका उपयोग हो सकता है। और जनता से यही अपील करना चाहूँगा इस माध्यम से, मतलब मैं अपने आश्रम के माध्यम से भी और एक मानव होने के नाम माध्यम से अपील करूँगा कि जिस प्रकार से आप अपने घर में परिवार में कोई खुशी होती है, शादी ब्याह मुंडन जन्मदिन मनाते हैं, तो अगर यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा डोनेशन करेंगे तो वो डोनेशन से क्या होगा कि अमूमन बहुत सारे मरीजों को भोजन मिल पाएगा और उन मरीजों की दुआएँ आपके बच्चे को या आपके जो भी उत्सव हो रहा है घर में उसको पहुँच पाएगी, तो आपको खुशी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी।